हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस ट्यूटोरियल वीडियो। और इस वीडियो में हम डीमोडुलेशन ऑफ एएम सिग्नल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर लॉ डीमोडुलेटर। ओके, अब जो भी हम एएम सिग्नल जनरेट करते हैं उसमें से वापस से हमें मैसेज को एक्सट्रैक्ट करना रहता है, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डीमोडुलेशन। ओके, और सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर लॉ डीमोडुलेटर को। अब सबसे पहले इसका हम ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं और इसे समझ लेते हैं। सो ये ब्लॉक डायग्राम है स्क्वायर लॉ डीमोडुलेटर का। यहाँ पर इसके इनपुट पे हमें ए मॉड्यूलेटेड सिग्नल को देना है, ये फिर यहाँ स्क्वायर लॉ डिवाइस में जाएगा। उसके बाद इस सिग्नल को लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो हमें एम्प्टी सिग्नल मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर जो इनपुट है हम उसे बोल देते हैं वो है V1, और स्क्वायर लॉ डिवाइस के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है उसे बोल देते हैं हम V2। ओके, सो V1 और V2 में जो रिलेशन होगा स्क्वायर लॉ डिवाइस में वो होगा V2 इक्वल्स टू A1V1 प्लस A2V1 स्क्वायर। ये है स्क्वायर लॉ डिवाइस में जो इनपुट और आउटपुट में रिलेशन होगा। ओके, सो जो V1 है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के बराबर है SAM of T, और SAM of T ये होता है AC into 1 प्लस KAMT इंटू कॉस ऑफ 2πfct। ओके, अब कॉस ऑफ 2πfct का हम अंदर इंटू कर दे तो हमें यहां पर मिलेगा ये इक्वेशन। अब SAM of T ये किसके बराबर है V1, तो यहाँ पर SAMT इसकी जगह में V1 लिख देता हूँ। अब हमें क्या करना है, ये जो V1 की जो वैल्यू है वो इस V2 वाली इक्वेशन में लिखना है। ओके, सो इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1, नीचे लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन 1। ओके, आप पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखते रहिएगा। V1 की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमें यहां पर मिलेगा ये इक्वेशन। ओके, अब यहां पर ये सेकंड वाली टर्म को हम एक्सपांड करें तो एक्सपांड करने के बाद हमें यहां पर मिलेगा V2 इक्वल्स टू, अब प्रॉपरली एक्सपांड करने के बाद हमें V2 की ये वैल्यूज मिली। ओके, अब V2 के आगे क्या लगा है, लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर कौन कौन से सिग्नल को पास करेगा जो कि लो फ्रिक्वेंसी वाले होंगे। अब यहाँ पर जो कुछ हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल मुझे दिख रहे हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ओके, जैसे पहला वाला ये सिग्नल जो है ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, और ये जो सेकेंड सिग्नल है वो भी क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। ओके, तो ये दोनों जो सिग्नल है ये लो पास फिल्टर्स के द्वारा क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। और जो लो फ्रिक्वेंसी पार्ट है वो इन तीन टर्म्स में छुपा हुआ है, एक ये टर्म हो गई, दूसरी ये टर्म और तीसरी ये टर्म। ओके, तो इन्हें हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों टर्म क्या होगी, लो पास फिल्टर के द्वारा ब्लॉक हो जाएगी, और इन तीनों टर्म में से हमें लो फ्रीक्वेंसी टर्म को निकालना है। ओके, तो अभी मैं ये ऊपर का ये जो सेक्शन है वो रब कर रहा हूं। सो शुरू की ये दो टर्म, ये दोनों हाई फ्रीक्वेंसी टर्म है तो ये लो पास फिल्टर के द्वारा एलिमिनेट हो जाएगी, तो इन्हें हमने एलिमिनेट कर दिया। ओके, और V2 को मान लिया जो बाकी लिखी हुई टर्म है। ओके, अब हमें क्या करना है, इन तीनों टर्म में से जो लो फ्रीक्वेंसी टर्म है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, सो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहां पर आइडेंटिटी यूज करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 प्लस cos 2θ/2। यहां पर भी कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म है, यहां पर भी कॉस स्क्वायर वाली थीटा टर्म है, और यहां पर भी क्या है, कॉस स्क्वायर वाली टर्म। उसमें हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे और हमें फिर मिलेगा, सो आइडेंटिटी यूज करने के बाद हमें V2 की ये वैल्यू मिली। ओके, अब हम सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर दें और फिर हम लो फ्रीक्वेंसी टर्म को अलग लिख देंगे और हाई फ्रीक्वेंसी टर्म को अलग लिख देंगे। सो ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद हमें फाइनली ये मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 भी हो गया कैंसिल। अब जो हाई फ्रीक्वेंसी टर्म है वो क्या होगी, लो पास फिल्टर के द्वारा एलिमिनेट की जाएगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी टर्म हम देख लें, एक ये हाई फ्रीक्वेंसी टर्म है। ओके, फिर ये भी क्या है, एक हाई फ्रीक्वेंसी टर्म,
और ये भी है हाई फ्रीक्वेंसी टर्म, बाकी सब टर्म क्या है लो फ्रीक्वेंसी टर्म। मैसेज सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी है, एम स्क्वायर टी भी क्या होगा लो फ्रीक्वेंसी टर्म, एम टी भी क्या है लो फ्रीक्वेंसी, और ये डीसी टर्म है, इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो ये भी क्या है एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। ओके, सो हाई फ्रीक्वेंसी टर्म ये ब्लॉक हो जाएगी बाय लो पास फिल्टर। तो कितनी हाई फ्रीक्वेंसी टर्म आ रही है, यहाँ पर तीन हाई फ्रीक्वेंसी टर्म आ रही, ये तीनों ब्लॉक हो जाएगी बाय लो पास फिल्टर। ओके, और फाइनली जो बी टू हमें मिलेगा वो होगा ए टू ए सी स्क्वायर बाय टू प्लस ए टू ए सी स्क्वायर के ए स्क्वायर एम स्क्वायर टी बाय टू प्लस ए टू ए सी स्क्वायर के ए एम टी। ओके, ये हमें जो टर्म मिलेगी वो लो पास फिल्टर के आउटपुट के बाद मिलेगी। ओके, अब इन तीनों टर्म में से ये जो डीसी टर्म है ये ए टू ए सी स्क्वायर बाय टू, इसे भी हम ब्लॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग ब्लॉकिंग कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर का काम क्या होता है कि वो एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। तो ये दोनों जो सिग्नल है वो क्या है, दोनों एसी सिग्नल है और ये एक सिंगल सिग्नल क्या है डीसी सिग्नल, तो इसे हम ब्लॉकिंग कैपेसिटर द्वारा ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, सो ये भी ब्लॉक हो जाएगा बाय यूजिंग ब्लॉकिंग कैपेसिटर। और फाइनली वी टू इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, एक आ जाएगा ए टू ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर के ए स्क्वायर एम स्क्वायर टी बाय टू प्लस ए टू ए सी स्क्वायर के ए एम टी। ओके, तो अभी मैं ये ऊपर का पूरा रब कर रहा हूँ, आप ये सब अच्छे से लिख लीजिएगा और वी टू फाइनली हमें ये दो टर्म मिलेगी वी टू के आउटपुट पर, मतलब लो पास फिल्टर के आउटपुट के बाद हमें ये दोनों टर्म वहाँ पर मिलेगी। सो लो पास फिल्टर के आउटपुट पे हमें यहाँ पर ये दो टर्म मिलेगी, इसमें ये जो सेकेंड टर्म है ये क्या है हमारी एक्सपेक्टेड टर्म जो हमें चाहिए, क्योंकि इसी में क्या है हमारा मैसेज है, और ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ये क्या है अनएक्सपेक्टेड टर्म, ये हमें नहीं चाहिए। ओके, अब क्योंकि ये दोनों ही क्या है लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स है, तो हमें आउटपुट लो पास फिल्टर के आउटपुट पे ये दोनों ही सिग्नल्स मिलेंगे, और यही जो है ड्रॉबैक है किसका, स्क्वायर लॉ डीमोडुलेटर का। ओके, अब स्क्वायर लॉ डीमोडुलेटर का यूज करके हम जो एम टी जो मैसेज सिग्नल है इसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इफ जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है ये बहुत ज्यादा बड़ा हो किससे, वन से। ओके, अगर सिग्नल टू नॉइस रेशियो वन से बहुत ज्यादा बड़ा है तो एम टी को क्या कर सकते हैं हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, इफ एंड इफ सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज लेस देन वन देन MT cannot be reconstructed. Okay, अब हम वो कंडीशन निकाल रहे हैं कि किस कंडीशन में हम यहां पर MT को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें सिग्नल टू नॉइस रेशियो को निकालना पड़ेगा। तो हमारा सिग्नल क्या है, ये है। ओके, सिग्नल ये जो है एक्सपेक्टेड टर्म है वो है ए टू ए सी स्क्वायर के ए एम टी। ओके, और जो नॉइस है वो ये वाली टर्म है, वो है ए टू ए सी स्क्वायर के ए स्क्वायर एम स्क्वायर टी बाय टू। ओके, अब यहाँ पर जो टर्म कैंसिल हो रही है उसे हम कैंसिल कर देते हैं, ए टू से ए टू कैंसिल, ए सी स्क्वायर कैंसिल, और एक के से एक के कैंसिल, और एक एम टी से एक एम टी कैंसिल। ओके, सो सिग्नल टू नॉइस रेशियो हमारे पास आएगा टू बाय के ए एम टी। ओके, अब एम टी जो है उसे हमने क्या माना, ए एम कॉस ऑफ टू पाई एफ एम टी, ये सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में एम टी हम ये कंसीडर करते हैं। तो एम टी की वैल्यू हम यहां पर पुट करें तो हमें यहां पर मिलेगा ये, और के ए इंटू ए एम ये होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो कि म्यू है। सो के ए इंटू ए एम की जगह हम यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स को सब्स्टिट्यूट कर दें, उसकी वैल्यू के इंटू ए एम म्यू के बराबर
सो ये सिग्नल टू नॉइस रेशियो के लिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन मिली है। अब मैक्सिमम सिग्नल टू नॉइस रेशियो निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, कॉस ऑफ 2 पाई FMT, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ओके, सो कॉस की एट द टाइम अभी हम वैल्यू ले लेते हैं 1, 1 यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें हम। सो हमें यहाँ पर क्या कंडीशन मिली कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है मॉड्यूलेशन इंडेक्स के। ओके, और अगर हम म्यू की वैल्यू जो है वो लें 0.02, उस कंडीशन में हमें जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो मिलेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो होगा 2 बाय 0.02 एंड दैट इज इक्वल्स टू 100। ओके, तो म्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा क्या मिलेगा हमें, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ओके, पर म्यू के कम होने से जो एफिशिएंसी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, तो हम यहाँ पर स्क्वायर लॉ डीमोड्यूलेटर को एज अ डीमोड्यूलेटिंग डिवाइस फॉर AM सिग्नल जनरली यूज नहीं कर पाते। ओके, क्योंकि पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेक्टेड सिग्नल के साथ में अनएक्सपेक्टेड सिग्नल भी हमें यहाँ पर मिलता है उसके आउटपुट पे, तो ये एज अ नॉइस वर्क करेगा, तो जो मैसेज है उसके साथ में हमें कुछ नॉइस भी सुनने को मिलेगी। ओके, और MT को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या होना चाहिए, 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। और हमने निकाल के देखा तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हमने कितनी ली, 1 के बराबर, तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के। और अगर हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.02 लिया तब जाकर हमें सिग्नल टू नॉइस रेशियो कुछ 100 मिला, यहाँ पर 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा होता 100। ओके, तो 0.02 के लिए हमें यहाँ पर सिग्नल टू नॉइस रेशियो कितना मिला, 100। पर हम एक चीज़ ये भी जानते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम कम करते हैं तो उसके साथ में एफिशिएंसी भी क्या होती है, कम होती है। मतलब सारी की सारी पावर हमारी कैरियर के फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगी और जो टोटल पावर में से जो मैक्सिमम पार्ट रहेगा वो कैरियर के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगा और सिग्नल के लिए जो पावर बचेगी वो बहुत ज़्यादा कम रहेगी। ओके, सो ये ड्रॉबैक है स्क्वायर लॉ डीमोड्यूलेटर का, इसलिए स्क्वायर लॉ डीमोड्यूलेटर जनरली यूज में नहीं आते। सो दिस मेथड इज प्रैक्टिकली नॉट प्रिफर्ड फॉर AM डीमोड्यूलेशन। ओके, सो ये पूरा वीडियो था स्क्वायर लॉ डीमोड्यूलेटर पर, एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।